घर में चूड़ा सेरेमनी और बच्चों के बाद जान नहीं होती शरीर में। दूल्हे राजा तो बैठ गए हैं, थाली कुछ और निकाली थी, निकल कुछ और गई है। शादी हो गई या नहीं? कलीरे की बारी आ गई, शादी कंफर्म है। चलो भाई, चलो कांग्रेचुलेशन। पड़ी रहती बहुत सुंदर। जब भी बोलू वही गलती करती है ना, मैं सामने खड़ी होती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 9, हम सब उठ चुके हैं क्योंकि ये घर में चूड़ा सेरेमनी और चूड़ा सेरेमनी जो होती है ना वो बोलते हैं 12 बजे से पहले करनी है। तो कच्चा दूध मंगवा लेती हूँ, चूड़े को थाल में भिगो देते हैं और फटाफट नहाते हैं, धोते हैं और रेडी होते हैं और करते हैं चूड़ा सेरेमनी। यहाँ पे मैंने तीनों बच्चों के कपड़े निकाल दिए क्योंकि क्या ना गर्मियां स्टार्ट हो गई है, बच्चों को ना ये जो कपड़े पहनते हैं ना मोटे उनमें ना इचिंग होती है। तो तीनों बच्चों के कपड़े निकाल दिए और यहाँ पे तीनों बच्चों के नाइट सूट भी निकाल दिए। तो ये है तुबू का नाइट सूट और आयानजत का नाइट सूट। वही सुबह सुबह हमारी चाय आ गई है क्योंकि देखो चाय नहीं होती ना तो दिन की शुरुआत नहीं होती, तो बहुत सारे काम है। चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी ले लेंगे। और यहाँ पे भाई बादशाह भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग। रात को बताए गाइस क्या हुआ था, रात को 1:30-2 बजे की बात है, ये ना सो रहा था अचानक से इतनी तेज रोने लग गया। मैं पायल चीकू के पापा तीनों भाग कर आए। चीकू पापा कहते शायद इसको नजर लग गई होगी। पायल ने इसकी नजर उतारी, मैंने इसको गैस्ट्रिका की दवाई पिलाई कि आधे घंटे बाद ये सोया लड़का, बहुत रोने लग गया था। रो रहे थे तुम तो। अभी अभी मैं लिफ्ट में गई थी, जैसे लिफ्ट में गई झटका लगा ठप और लिफ्ट हो गई बंद। तुम्हारी जो लिफ्ट है ना वो आधी आधी खुली आधी बंद है, अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। मुझे लगता है लाइट चली गई है ना लाइट की वजह से। तो अभी थोड़ी देर में जब आएगी लाइट तभी मैं नीचे आऊंगी, मेरे बस की नहीं है 13 से नीचे जाना ऐसे 0 तक। मेरा तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे में जान है, तुम्हारे बच्चे हो गए, हमारे में जान नहीं है। बच्चों के बाद जान नहीं होती शरीर में। गोलू की मेहंदी सबसे ज्यादा चढ़ी, सबसे ज्यादा चढ़ी है गोलू की मेहंदी। अच्छा पायल एक बात बोलू, सेम ऐसी मेहंदी इससे ज्यादा डार्क काली मेरी शादी भी चढ़ी थी। क्योंकि मैं बताती हूँ मेरी मेहंदी कब चढ़ती है, जब मैं मेहंदी लगा के पानी में हाथ डिप नहीं करती, मैं सो जाती हूँ ना, मेहंदी चढ़ जाती है बहुत ज्यादा, फिर डिप कर देती तो लाइट जाती है। और गाइस अभी फटाफट से हमें चूड़ा सेरेमनी करनी है, फटाफट पहले टेंट का काम करवा के आती हूँ सारा, उसके बाद जाती हूँ सारी लड़कियों को उठाती हूँ, लड़कियों को सबसे ज्यादा बड़े। पायल दूल्हे राजा तो बैठ गए हैं, वो दूल्हे राजा के साथ सरवाला नहीं होता, दूल्हे की माँ भी तो बैठती है दूल्हे के साथ। चलो आपकी दूल्हन का है, आओ फोटो क्लिक कराए। दूल्हन नहीं, दूल्हन का है आपकी। अरे मम्मी बहुत टाइम है, पूरी हवा चल रही है, लेके चलो ऊपर। चलो तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन का सारा काम शुरू हो चुका है और हमने अपनी सोसाइटी में सब कुछ रखा है। तो गाइस यहाँ पे जो है सुबह का, क्योंकि सब लोग 11-12 बजे उठे हैं, तो यहाँ पे राजमा चावल रोटी और वहाँ पे गाजर का हलवे के लिए गाजर छिल रही है, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। मैं चलती हूँ ऊपर फटाफट। तो सुबह सुबह ना यहाँ पे मन्नू के जाड़ में दर्द हो रहा है। जाड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाड़ को तीथ नहीं बोलते, जॉ बोलते, जॉ है ना, सही बोला ना मन्नू, जॉ। तो मन्नू जॉ इज पेनिंग, तो आई गिव यू सम मेडिसिन, ओके मन्नू? कम बेटा कम, सिर्फ मन्नू सिर्फ। तो गाइस मेरे को उम्मीद थी कि नहीं मिलेगी इतने सारे डब्बे के अंदर ऐसी दवाई ढूंढना, पर बोलते हैं ना कि जिस चीज को तुम चाहो तुम्हें जरूर मिलती है। तो मन्नू को दवाई मैं जरूर दूंगी, एक दवाई तू ले ले और किसी जाड़ में दर्द है हाँ तो दीदी को भी दे दे, बच्चों की आंटी जो है ना। आंटी जी आपके लिए भी दवाई मिल गई। अरे दीदी कैसे बातें कर दी, हम देंगे आप बोलो तो सही। ये मेरे को नोच रही है बड़ी देर से, दर्द हो रहा है ओपनियो माउथ से। हां दर्द हो रहा है ओपनियो माउथ, देखो देखो कहां खाई है तू, ओपनियो माउथ दिखाई उसको, दिखाई मांगी, ये लो तू भी ले लो। तुबू तुबू चिज्जी खाओगे? तुबू इसको पसंद है, इसको पसंद है चटपटी चीजें और ये है थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे कच्ची लस्सी हमने बना दी है, अब हम चूड़ा भिगो देते हैं दुल्हन का, ठीक है, और फिर उसको चूड़ा हम पहनाएंगे। ये है दुल्हन का चूड़ा। तो शांति कांची लेके आई हूँ, रुक जा मैं देखती हूँ। नहीं लग जाएगा, ओह हो गया हो गया हो गया। तो बस अब मैंने चूड़ा भिगो दिया, 2 मिनट के अंदर ढाक के आती हूँ और कपड़े पहनती हूँ, कोई मेकअप नहीं क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ये वाले कलीरे, ये वाले कलीरे, ये शादी के टाइम पे बनाने के लिए सोचते हैं। तो भाई मेरा मेकअप हो गया डन और अभी मैं बनाती हूँ आपके सामने इंस्टेंट हेयर स्टाइल। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, आपको सिर्फ ये लेना पड़ेगा, आपको अमेजोन मीशो कहीं से भी मिल जाएगा, कान से भी मिल जाएगा, बस ऐसे टोटी को ऐसे करना, थोड़ा हाई नहीं रखना, तो रखना है तो मैं ऐसे किया, ऐसे किया, इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया और ये बन गया जूड़ा इंस्टेंट हेयर स्टाइल। मैं कह रही हूँ कलीरे तो इनपे गिरने और रेडी मैं हूँ इतनी, और वो भी हमसे पहले, हम पहले लगे थे दीदी से, पर दीदी बहुत, बाबू सुन मेरी बात, दीदी हर एक काम में फास्ट, फास्ट। सुनो अभी थोपड़ा धोना पड़ेगा दोबारा, क्यों लाइटिंग ना आने, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करेगा, बस ठीक है हम धो देंगे आके। हाँ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं चूड़ा लेके और सारी शगुन की चीजें लेके। लाइट चलाओ लाइट। अभी मैंने तुबा को ना यहाँ बिठाया दो के ऊपर, जैसे ही ना तुबा को बिठाया बस मैं ऐसे खड़ी हुई कुछ बोलने के लिए, तुबा फर्श नीचे, तुबा को नहीं लगी। भाई भाभी भी रेडी होगी, मेहंदी दिखाओ। ओहो फुल काली मेहंदी चढ़ी है भाभी की, बिल्कुल काली, भाभी देखो बिल्कुल बराबर चढ़ी है, जितनी दुल्हन की मेहंदी
उतनी ही मेरी है, कोई भी 19-20 का फर्क भी नहीं है, इतनी काली चढ़ी है इस बार। तो भाई सारे टाइम पे आ गए, बिल्कुल सही किया टाइम पे आ गए। तो मंदीप भैया ने भी आज बिल्कुल मैचिंग पहना है भाभी के, है भैया लाल लाल। ट्विनिंग कर रहे हो, शादी में तो करनी है। बस भैया कुछ ही घंटे बाकी है भाभी, कुछ घंटे बाकी है। तो गाइस गलत थाली निकल गई, थाली कुछ और निकाली थी, निकल कुछ और गई है। ठीक है, पायल और इनकी निकल गई थाली, ये भी है भाई हमारी करवा चौथ की थाली, हमने संभाल के रखी। तो भाई आज लड़की वाले तो आपने बहुत बार गाते हुए सुने, आज गाएंगे लड़के वाले। और हम लोग बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि हम लड़की वालों की तरफ से भी है, लड़के लड़के वालों की तरफ से है। तो आपकी दूसरी सिस्टर गाए भाई, तो कोई गीत तो पहले गीत पहले आप सबसे पहले बंदड़े का कोई बंदड़े पंजाबियों में तो हमारे में बोलते थे घोड़ी गाओ, तो आप बंदड़े के बारे में कुछ बोलो। सगन सगन करो जो आपके भाई की जाति है। हाँ याद करो, रास्ते में है। आपको गीत आते हैं? हमारी बड़ी दीदी को आते हैं, कोई बात नहीं हम साथ दे देंगे। नहीं बातें की है, हमें नहीं आते तो उठो बन्ना गली ना गली वाली है। हां अपने ऊपर वाली है। हां हम दोबारा शादी करेंगे इनसे। नहीं तो वाली लड़कियों का गला ना तो वाली लड़कियां पहुंची नहीं। एक बार देखिए उन्होंने आज का नोट किया कि एक बलन के पीछे अगर नाम का बात है। हां शादी करा दिया तो बनाया था बंदा। ऐसी होती है मम्मी कवारी लड़की। आ जाओ आ जाओ ऐसी होती है मम्मी कवारी लड़की एकदम पागल साइड। दीदी कंगना भैया को आप बांध लो। आप भी कुंवारी थे एक टाइम पे दी। मैं भी ऐसे पागल थी। मैं भी ऐसे भी पागल थी। अब समझदार हो गई। बैठ जाओ सारी लड़कियां। शादी के बाद समझदार हो जाता है इंसान। सारी लड़कियां इतनी एक्साइटेड है। अपने मिले गया था वही मेरे भैया हाथ पे बोलेगा ये खोल रही है भाभी खोलेगी। लड़के वाले की तरफ से है ना दीदी ने शुरू कर दिया है कंगने की रस्म। इसपे ऐसी ऐसी गांठ मारना कि भाभी तो नहीं है, भाभी जिंदगी में ना खोल पाए। हाँ। जिंदगी निकल गई भाभी की और इस जन्म में तो भाभी नहीं खोल पाएगी अगले जन्म में। चौधरी ने धागे के दो टुक कर लिए है उनको ऐसे करके बांध रही थी और भैया दिखा रहे हैं जान के ना कि भाभी देख लो। सात गांठ बंधेंगे सातों जन्म ताकि साथ रहे। अब दूसरी बहन आ गई है, दूसरी बहन और गांठ मारी। फिर हमारे दूल्हे की रस्म यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। आएगी हमारी दुल्हन, दुल्हन के यहाँ पे लगाएंगे हम डॉल। ये सब लड़कियों को भाभी देगी। वाह ये तो हम बांधेंगे ना सबको। प्रणाम चूड़े की रस्म लक्ष्य बोल रही है भैया तो भाई कर सकता है या मामा कर सकता है। तो सारे हमारे भाई है ठीक है ना तो सारे थोड़े थोड़े बना दो मैं पूरा सेट बना के दे दूंगी। मैं दूध इतना कम क्यों डाला है। अरे चाय लस्सी होती है ना। चाय बनानी थी क्या। कच्ची लस्सी होती है। कच्ची लस्सी कैसे लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है हल्का सा दो बूंद भरी नहीं आधी किलो डाल नहीं थोड़ा सा और डाल देंगे। तू बताते मैं एक आधी किलो डाल देती। कोई बात नहीं चलो रेडी भाभी आंखी बंद कर ली स्टार्ट कर भाभी को थोड़ा दबा के कर। तो यही बात बोल रहा हूँ क्रीम में तेल लगा शगुन हो गया अब तुम कर दो चलो इसमें भी कर ये बड़ा है सेम ऐसा ही बड़ी आगे आएगी छोटी बारह बारह चूड़ी करनी है बारह कर बड़ी है पहले बड़ी फिर छोटी ठीक है। ये दुल्हन सो रही है ये तीनों बड़ी इसकी शेप होती बारह करनी है बारह हाँ शेप होती है सही बात है शेप शेप होती है ऐसे बड़ी से छोटी तक बड़ी है Thank you.
मैं गाने वाली बहुत ही जल्दी मेरा मेरी खुद की आवाज में गाना आएगा गाइस। तो जब तक भाभी को चूड़ा चढ़ रहा है मैं सोच रही हूँ कंगने वाली रस्म जो है मैं कर देती हूँ। सबसे पहले मैं, सबसे पहले निष्ठा। निष्ठा को शादी की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है इसको, इसके लिए लड़का ये सोच रही है बस इसकी शादी होते कल मेरी हो जाए। हाँ, उस उनका चूड़ा देख के मेरा दिल कर रहा है मैं भी पहनूं। इसको नहीं है बिल्कुल, इसको दिख रहा है मुझे नहीं, इसको कब तक डाले रखना है। नोट करिया, एक शादी में ना ऐसी लड़की जरूर होती है जिसको शादी की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। वो कौन है? इस बार वो तू है। और पिछली बार हमारी पूजा थी और उसकी हो गई। हाँ। पूजा थी हमारी मासी की बेटी, मेरी बहन की लड़की, उसकी हो गई। अब लगता है मेरी शादी होगी अगली। मेरी शादी होने इसकी शादी में लड़का मम्मी पापा ढूंढेंगे। अच्छा सा सुंदर होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों सारे भी बाद में बोलेंगे लड़का सुंदर है, मैं ये सुंदर चाहती हूँ, सारे ये बोले भाभी ज्यादा सोनी है ना। निक्की को बोले एक्साइटमेंट है। अगर निक्की पे कलीरा गिरा तो हम डेट फिक्स करेंगे कि निक्की की शादी कब हुई। अभी ये डिपेंड करता है कलीरा गिरना और ना गिरने पे कि शादी होगी या नहीं। हो ही नहीं सकता, कलीरा मेरे पे ही गिरना। कलीरा उसी पे गिरेगा तो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, अभी उसी पे गिरेगा देख लेना चाहे। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। नहीं तो होगी दो बार। मेरी एक बार करवाओ। आज कौन रह गया? तो भाई मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुके हैं और मेकअप आर्टिस्ट वही आए हैं जिन्होंने मेरी शादी में मुझे ब्राइड बनाया था। ठीक है, इंस्टा पेज मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है चूड़ा कंप्लीट चढ़ चुका है, अब चूड़े को हम ढक देते हैं ताकि भाभी जो है, भाभी आंखें हाँ बंद है, जब नहाएंगे धोएंगे तब देखेंगे। तो रेडी होगी सीधा? हाँ रेडी, नहा धो के बैठी है भाभी, जब मंडप में जाएंगी तब देखेंगे चूड़ा। इसको ढकना भी होता है और क्या? ले भाई इसको भी ढक। मैं थोड़ी मैरिड हूँ, अनमैरिड पहनती है। अच्छा अनमैरिड पहनती है ना? नहीं, नहीं सब पहनते हैं, पहनते हैं सब पहनते हैं। यार मैं गांठ बांधने में बहुत कच्ची हूँ, गांठ बांधने मेरे नेल्स नहीं है ना, वो अच्छी गांठ मार पाएगा। सॉरी दोबारा करना, रीटेक। कंगना तो खुल गया, कंगना बांधा खुल गया मेरा। अभी ऐसा बांधूंगी ना कि खुलेगा नहीं, देखना इतना भी टाइट नहीं बांधना, मुझे चूड़ी पहननी है। चलो लड़कियों कलीरे की बारी आ गई, ये देखो लड़कियों की मां को देखो। कंगना बना ली लड़कियाँ पहने बैठेगी कंगना खाने के लिए। अरे एक एक करके, एक एक क्या ना बच्चे दी, मैंने बिठाया था इसे, एक एक करके आना तभी तो पता लगेगा किसने गिरा। तो पिछले आज से 4 साल पहले ना धीरज भैया पे कलीरे गिरे थे पायल की शादी में, आज तक शादी नहीं हुई। मेरी शादी को 4 साल हो गए और क्या, 2 साल पहले गिरे थे कलीरे पर अभी नहीं। भैया तुम्हारा जो क्या पता इस बार हो जाए, मेरे को करानी नहीं। हमें भाभी चाहिए। जितने भी कुंवारे लड़के लड़कियां आकर अपना बैठो, अपनी किस्मत चमकाओ, आप बैठो। इतनी बार इनको बोल रही थी। अरे ये ढोलक वाला किसने बुलाया है? ढोलक वाला कहाँ से आया? ये मैं लाई हूँ। कहाँ से लाए हो? स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट ढोलक का? बुलाया नहीं, दिल्ली से आई। दिल्ली से आया? चूड़ी बांध रही हूँ, पहली चूड़ी पे बांधते हैं, एंड वाली पे तो उस पे बांध रही है। चलो भाई गली में बंद करो।
गिरना फिर भी कोनी अब आगे लक्ष्य लक्ष्य कहती है मैं कभी शादी नहीं करूंगी, तो देखते हैं कि इसका प्रण सच्चा है कि झूठा है। ठीक है, अगर कलीरे गिरेंगे तो इसकी शादी डेफिनेटली होगी, अगर नहीं गिरेंगे तो नहीं। कौन जाने? चलो चलो ओह सारा कलीरे टूट गया। तीन गिरे हैं, एक उधर गिरा बड़ा, पीछे गया, संघर्ष कर जाती हूँ। अब रब्बा हे परमात्मा मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है निष्ठा पे पूरा गुच्छा गिरेगा इतना बड़ा। आयो भाभी फिर हे परमात्मा दे दो दे दो दे दो। बाल के रखी जब भी ब्याह नहीं होता ना, बाकी सी शादी में करेंगे, संभाल के शादी हो रही है ना जी, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, सभी में गिर रहे हैं ना, सबकी शादी नहीं है, क्लियर निकली देंगे। आयो लड़कियां सबर नहीं कर रही, उस हिसाब से बनाए हैं कि उनमें गिरे, जिसमें नहीं गिरता क्या पता दिल बोल वाले। मम्मी यार पॉइंट की बातें करती है, इसलिए कच्चे बना दिए, असली है कच्चे बनाए हैं और सब पे गिरा रहे हैं, चाहे शादी हो चाहे ना हो। मम्मी जी शादी होगी, इसका मतलब ये है जिसमें नहीं गिरेगी उसी की शादी होगी। तू चल क्यों रही है? मुझे ऐसा लग रहा है दृष्टि पे नहीं गिरेंगी, इसी की शादी है। चलो चलो देखते हैं। चलो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर छोटी को पहले मिल गया तो पहले, अगर मुझे लड़ते हैं मंडप में आ जाए तो बीच में मैं, ओए तो लड़ पड़े शादी की मैं क्या सी लग... मैंने बोल दिया दिशा की शादी, बुलाना मत भूलियो। क्यों सबसे पहले आना शादी की, फंक्शन कितने हैं, ड्रेसें तैयार करवानी है जब मर्जी, एक मिनट ड्रेस तैयार करने की जरूरत नहीं है। इतनी शादी में मस्त हो गई है, खत्म। मुर्गी ओ लेनी, हाँ मुर्गी ओ लेनी, कुड़कुड़ कर दी अंडे देंदी, हाँ मुर्गी ओ लेनी जड़ी अंडे देंदी, सोरे नहीं जाना सस्ताने देंदी। भाई अब छोरी आ गई हमारी घर की, अब देखते हैं इसकी शादी कब है, क्योंकि अगली शादी इसकी होगी तो हमने सारे कुंड मन वहाँ जाना पड़ेगा। चलो बात भर के आएगी, चलो एक दो सभी की शादी होगी। भाभी दो गिर गया पक्का है, बात वर्ण कर दाना है। सूरज भैया सूरज भैया आ गए, देखते हैं सूरज भैया की शादी होगी कि नहीं होगी, पीछे खड़े निक्की देख रहे हैं, गिर गया देखो निक्की पे गिर गया, ये देख ले निक्की की शादी तेर से ही होगी किसी और से होगी, अगर तेर में नहीं गिरा तो मतलब तेर से नहीं होगी। अरे गिरो यहां तोड़ दो, गिरा दिए पहले पूरा ही तोड़ दिया।
से हमने ये पता नहीं कहाँ ये रहे पीछे भी याद है पीछे रख लिए मैंने इस वजह से इतनी जल्दी है इसको शादी की सूरज को निक्की के साथ कि खुद ही रख लिया अपने सर पे तोड़ो ये गिर गया गिर गया निक्की के पास गिरा शादी कंफर्म है चलो भाई चलो कांग्रेचुलेशन डेट हम करेंगे कल रिवील इनकी शादी कब होगी ओके भाई दो जोड़े आगे हमारे बधाई हो थैंक यू बस केशव बैक ना एक काम कर तू भी आ जा रिंकू जा ना ना उसको ठीक है अरे गोई ना बैठ ऊपर टूटे जा बैठ है नेवर सोलो पता चले गिरे किस पे और नाप किसका आ जाए चलो मम्मी कह रही है गोलू में 2024 में लगता है बहुत बिजी जाओ शादी है सब मेरी बारी है मैं ब्याह नहीं करवाना मैं कहूंगा हौली हौली करे इधर देखिए चार तो इस बार बड़ी दिक्कत आई थी हमारे को हल्दी के अंदर टाइम बहुत कम था हमारे पास और काम बहुत सारे थे तो मेरी शादी तो हम बहुत टाइम से सब प्रिपरेशन इस बार हमारे पर टाइम कम था डेट जल्दी चलो बच्चे बैठ गए चलो ये वेट कर रहा कब गिरे गलती आप लोगों की है कि आप ड्रेस पहन के देखते नहीं हो पड़ी रहती बोझ झुंझड़ा उसको ऐसे देखते रहते हो और सुंदर के चक्कर में ये किधर इधर ऐसे फट रही है वो क्या हो रहा है वो आती ना मम्मी सही बोल रही हूँ आती ना ड्रेस भी करती हेलीकॉप्टर की जो बारात है ना मैं पिछले 15 साल से सुन रही हूँ अभी तक नहीं गई 15 दिन से अब की बार जाएगी चलो एक गिर गया भाई हेलीकॉप्टर पर आप जाने उससे भी ज्यादा गा लिए पहले भी ले आए हो मेरी हेलीकॉप्टर कोई हो 10 ठीक है जिसके ऊपर पहली बार में गिरे ना अगली शादी उसी की है अब देख लेना किसका पहली बार में गिरा है बिछिया ये री अच्छा छेनो पानी वाली है ना कुछ खाने चलते चप्पल मेरे को समझ आई मैं चप्पल कांगी मैं कि कोई भी किसी की चप्पल पहनते कोई भी किसी की पहनते मैंने कहा और क्या कुछ भी पहन लो मैंने बोला चटनी नहीं बनाई करे नहीं मैंने कहा धनिया है मेरे को धनिया दे दिया अरे ऐसे नहीं खाना चलो जब भी गोलू कोई गलती करती है ना मैं सामने खड़ी होती हूँ तुम्हें चावल निकाल देती बड़ी ढूंढ के जैसे इसने देखा ना कोई देख मैं ही खड़ी थी चावल तो गाइस बहुत अच्छी सेरेमनी हुई चूड़ा सेरेमनी और कलीरे सभी लड़के लड़कियों पे गिरा मुझे ये लगता है कि अगली शादी किसकी होगी यार अभी सब पे गिरे सब पे A to Z पे सिर्फ आपके अयान जेड पे मतलब ये तो चमत्कार हो गया लगता है चमत्कार सब पे गिरे तो बस गाइस ये इस ब्लॉग को एंड करते हैं अब आगे आपको ब्लॉग मिलेगा जूता छुपाई दुल्हन की एंट्री शादी फेरे बहुत कुछ आने वाला है तो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग हर 2-4 घंटे में ब्लॉग मिलने वाला है और ये आज का ही ब्लॉग है यानी कि आज 12 तारीख है और 1:30 बजा है इसको हम खत्म कर रहे हैं और आपको ये ब्लॉग 4 बजे शायद देखने को मिलेगा तो वैसे गाना भी आ गया जिसने हमारा गाना अभी तक नहीं सुना सुन लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत ही कमाल का गाना है होली के ऊपर